दोस्तों, टेक सेंट्रल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 4G स्मार्टफोन्स जो कि 5000 की रेंज में देखने को मिल जाते हैं, और हम जानेंगे इसके स्पेक्स एंड कंपेयर करेंगे कि इन तीन 4G फोन्स में से सबसे अच्छा कौन सा है। तो दोस्तों, मेरा फर्स्ट 4G स्मार्टफोन है गैलेक्सी M01 कोर। इसकी क्विक स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 5.3 इंच की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 1GB रैम, 16GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, MediaTek का MT6739 प्रोसेसर है, 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 8MP का रियर कैमरा एंड 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। मेरा दूसरा 4G फ़ोन है Nokia One। अगर इसकी क्विक स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें 4.5 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 1GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, MediaTek का MT6737M प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 2150 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 5MP का रियर कैमरा एंड 2MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। मेरा तीसरा 4G फ़ोन है iCall 5। अगर इसकी क्विक स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 5.5 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 2GB की रैम देखने को मिल जाएगी, 16GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, 1.3GHz क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 2500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और 5MP एंड 2MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैं प्राइस की बात करूँ तो M01 कोर ₹5000 का है, नोकिया वन ₹4672 का है और iCall 5 3899 का है। ये सब फ़ोन्स आपको Amazon में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब आते हैं मेन कंपैरिजन में, और इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक स्मार्टफोन्स को रेटिंग देने वाला हूं डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी एंड प्राइस के हिसाब से, और आखिरी में मैं ओवरऑल विनर कौन होगा देखते हैं। पहला, M01 की डिस्प्ले को देखा जाए तो इसमें TFT डिस्प्ले दी गई है, तो उसको मैं एवरेज स्टार देना चाहूँगा। Nokia One की बात करूँ तो इसमें IPS LCD दी गई है, तो उसको गुड स्टार देना दूंगा। और iCall 5 में IPS LCD भी है, प्लस बड़ी स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, तो और 5.4 इंच की है, तो उसको मैं बेस्ट स्टार दूंगा। डिस्प्ले में देखा जाए तो विनर है iCall 5, जो कि उसमें 5.4 इंच की IPS डिस्प्ले है, जो कि दोनों 4G फ़ोन से अच्छी है। परफॉर्मेंस में आते हैं तो M01 कोर में बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, तो उसको बेस्ट स्टार दूंगा और Nokia One को गुड स्टार दूंगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर भले ही 1.1 GHz है, बट MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है। और iCall 5 को एवरेज स्टार दूंगा, क्योंकि इसमें 1.3 GHz प्रोसेसर दिया है, बट इसमें प्रोसेसर की कंपनी नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए तो परफॉर्मेंस में M01 कोर विनर है। कैमरा की बात करूँ तो M01 कोर को बेस्ट स्टार दूंगा और बाकी दोनों को गुड स्टार, बिकॉज M01 कोर का कैमरा मेगापिक्सल ज़्यादा अच्छा है दोनों से। तो विनर की बात करूँ तो M01 कोर विनर है। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी में M01 कोर को बेस्ट स्टार दूंगा और Nokia One को एवरेज एंड iCall 5 को गुड स्टार दूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी बैटरी M01 कोर में है, जो कि 3000 mAh की बैटरी है। तो विनर है M01 कोर। प्राइस पॉइंट में आते हैं तो M01 कोर को गुड स्टार दूंगा और Nokia One को एवरेज दूंगा और iCall 5 को बेस्ट स्टार दूंगा, क्योंकि iCall 5 प्राइस के हिसाब से काफ़ी स्पेक्स इसके अच्छे हैं, तो इसमें विनर है iCall 5। ओवरऑल विनर है यहाँ गैलेक्सी M01 कोर, जो कि 5000 की रेंज में काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको बता दूँ, M01 कोर में 16GB स्टोरेज वेरियंट के अलावा इसमें और एक वेरियंट देखने को मिल जाता है, जो कि 2GB रैम, 32GB स्टोरेज, जो कि वो ₹6000 में अवेलेबल है। तो आपका अगर बजट 5000 के आजू बाजू हो तो आप 6000 वाला भी वेरिएंट ले सकते हैं। मैं सब लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।